नमस्कार, मैं अमय कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पेंशन न मिलने से नाराज जल निगम कर्मचारियों ने दिया धरना। जी हां, खबर यूपी के अयोध्या जिले से है। 5 महीने से पेंशन न मिलने से नाराज उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति ने दिया धरना। गौरतलब है कि पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर कर्मचारियों ने जल निगम विकास खंड में एक दिवसीय धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। पिछले कई महीने से वेतन न मिलने से जल निगम कर्मचारियों के परिवार भूखों की कगार पर आ गए, जिसके चलते कामकाज ठप करके आंदोलन किया। वहीं मनोज श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माह सितंबर 2020 से अब तक बकाया 5 महीने का वेतन एवं पेंशन का तत्काल तक भुगतान एवं प्रतिमा निम्न रूप से वेतन पेंशन का भुगतान तेजस कराया जाए। वह वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरों का तत्काल भुगतान कराया जाए और रुकमणी कागार पर पहुंच चुके मृतक कर्मियों के परिवार को सदस्य की वर्ष 2018 से अवैधानिक रूप से अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रारंभ की जाए। अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो यह आंदोलन चलता रहेगा। वहीं जल निगम के कर्मचारियों ने योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बोले कि जब से योगी सरकार आई है तब से वेतन ना पेंशन नहीं मिला। अगर हमारी मांग ना पूरी हुई तो पूरे देश भर में यह आंदोलन जारी रहेगा और उसी बात को लेकर एक सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। इस मौके पर मनोज श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य सैकड़ों जल निगम कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। मेन उद्देश्य ये है कि आज उत्तर प्रदेश जल निगम की हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी पेंशनर, इनको जो वेतन और पेंशन मिलता है वो 12.5% प्राप्त हो पा है। जो योजनाएं हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसके अकॉर्डिंग हमको 12.5% प्राप्त हो। उस 12.5% के माध्यम से हमको जो है वेतन पेंशन इत्यादि का भुगतान किया जाता रहा है। आज वर्तमान स्थिति ये है कि गवर्नमेंट ने हमारी जो मूलभूत सेवाएं हैं, पेयजल योजनाएं हैं, सीवर लाइन का काम है, अन्य जो हमारे सीवर एक्ट में दी गई है उसके अंतर्गत हमको वंचित कर दिया गया है। यानी कि हमारी जो निरंतर वर्कों पे हमको जो काम मिलते आ रहे हैं, ग्रामीण पेयजल योजनाएँ, नगरीय पेयजल योजनाएँ एवं जो है सीवर लाइन के काम, वो आज वर्तमान में निजीकरण के हाथ गवर्नमेंट को दे रही है और हमारी जो है वेतन और पेंशन की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है जिस पर हमको 12.5% पेंशन प्राप्त हो और हम अपने कर्मचारियों को और पेंशनरों को वेतन और पेंशन इत्यादि दे पाएँ। हम पिछले 2 साल से निरंतर 4 महीने 5 महीने से लगातार वेतन और पेंशन पीछे चल रहे हैं। हमारे कर्मचारी रोज जो है परेशान है, भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से अपने जीविका उपार्जन करें और अपने परिवार के बच्चों का भरण पोषण कर सकें। कितने मेरे सब लोगों वेतन 5 माह हो गया निरंतर हम लोगों को जो है वेतन और पेंशन हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि लोग उधार ले लेके जो उधार लिए हैं उनको जो है उनके द्वारा जो है वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठ रहे हैं। क्योंकि हमको वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, जो बकाया है लोगों का वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने हाउस लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, उसको भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। हमारी मतलब ये वर्तमान गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ही भेदभाव रवैये अपना कर मतलब हे दृष्टि से देख रही है, जिससे जो है जल निगम के कर्मचारी निरंतर जो है इस बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अधिकारियों को आपने सूचना दी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है और हमको जो है सिर्फ जो है मतलब दिन प्रतिदिन हमको जो है भुखमरी की और ऐसी स्कीम ला दे रहे हैं कि लोग जो है हमारे बहुत से लोग मेडिकल के अभाव में मतलब मर जा रहे हैं।
दवा के अभाव में मर जा रहे हैं क्योंकि वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है, इसलिए हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 2016 से जितने भी हमारे पेंशनर उनका पेंशन रिलीज किया जा रहा है, 2016 से बाद के पेंशन जैसे रिटायरमेंट होता है आदमी उनको पेंशन मिलती है ना सुरन, पेंशन जो है न मिलते उसका पेंशन पेपर ही नहीं स्वीकृत किया गया, तो पेंशन की बात ही बात है, बात समझ ना। तो हमारी ये 2016 से और प्लस जो हमारे कर्मचारी देहांत हो गए सर्विस पीरियड में, उनके आश्रित को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, उनको जो है भुखमरी की कगार पे उनके जो आश्रित परिवार हैं, मतलब जो कर्मचारी हमारा वर्षों से ड्यूटी किया उसका आकस्मिक निधन हो गया, कार्य करके हमें निधन हो गया, उनके परिवार वालों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज आप ज्ञापन किसको सौंपेंगे? आज ज्ञापन जो है 3 बजे हम लोग जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, मुख्यमंत्री महोदय को भेजने का। क्या नाम? मनोज कुमार तिवारी।